बोला आपको नींद नहीं याद आ रहा क्या? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, तबाल हुदा। बोल बोल आपको नींद नहीं याद मतलब आ रहा? आप सब खैरियत से हैं? आप नहीं नींद में मैं याद आया क्या तुझे? बोलो क्या हुआ, नींद में है क्या मेरे भाई? अभी तो रात के 12 ही बजे है। नहीं नहीं नींद में याद आया क्या? मैं तेरे को बोला अरे आप तो मेरे भाई, सोते जागते मेरे को कभी कभी याद नहीं आते हो भाई। अब तो याद आ गया ना 12 बजे। हाँ नहीं असल में भाई, अभी आपसे मतलब थोड़ा यही जानना था, थोड़ा मसला पेश आ गया था। बोल कौन सा मसला पूछ रहा? हाँ भाई, अजमेर आप लोग जाते हैं ना सफर करने के लिए, हाँ सफर की नियत से अजमेर? सफर की नहीं है क्या? तो तू किसकी नियत से जाता? कहाँ नहीं गया तो सफर ना करता क्या? औरत नहीं, की नियत अजमेर आप जाते हैं ना मतलब भाई, जियारत से? की हाँ नियत से, सफर की नियत से? जी अरे सफर की नीयत से तो जाएंगे ना, किधर भी सफर करेंगे तो। जी तो इसी की मतलब दलील चाहिए थी कि मतलब ये क्या हदीस में आया है क्या कि दरगाहों के ऊपर जाना हमें सफर की नियत से? भाई दरगाह के नहीं ऊपर, मजार के जाने हाँ ऊपर, आस्थाने के ये ऊपर सफर की नियत से जाना, क्या ये जायज है? क्या वहाँ जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे और आराम से उसको लाने रहेंगे, घूमेंगे, तो ये सब क्या मतलब जायज है? जिसको उर्दू में आमतौर पे बोलते हैं वो, वहाँ पे जाना, नहीं, जियारत करना। अब तुम्हारी जोरू मायके में चले गई, तेरी जोरू जाने के बाद अगर उसको लाना तो सफर की नियत से तो जाएगा ना, नहीं वो लाने पर सफर की क्या? नियत नहीं है ना, वो तो नियत उसकी ये है कि वो अपनी ससुराल जा रहा है अपनी बेगम को लाने। तो दुआ नहीं पड़ता शायद तू तो। नहीं दुआ वो मसला नहीं है, ससुराल आप फिर जाते हैं तो क्या करने जाते हैं? ससुराल सफर नहीं करता क्या ससुराल तक? नहीं ससुराल आप जाते हैं तो क्या आप मतलब अंदर सोचते हैं कि हम ससुराल जा रहे हैं जियारत करेंगे ससुराल की? तो कुछ छोड़ने नहीं असल में एक वो हदीस थी ना भाई, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस थी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सिर्फ जो मस्जिद हरम है और मस्जिद अक्षा है और मस्जिद भाई वो नबवी है, इन तीन मस्जिदों के अलावा कहीं पे भी भाई सफर की नियत से, जियारत की नियत से जाना ये जायज नहीं है। लेकिन आप लोग सफर का भाई मान अजमेर शरीफ जा रहे हैं और हाजी मलंग नहीं जा सर रहे हैं और फला बाबा की मजार और ढमक बाबा की जरूर मजार, तो ये मजारों के ऊपर भाई वो आराम से जाना पूरी फैमिली को लेके, तो ये कहाँ तक जायज है आपके नजदीक? नहीं, सफर का माना क्या है मुझे ये बता। सफर का माना होता है भाई, आदमी कहीं पे जा रहा है, ठीक है भाई, वहां जाएगा तो वहां पे आराम से बात करेगा, जियारत करेगा, घूमेगा फिरेगा। तू कहीं भी जाएगा देखिए तो सफर नहीं है, अरे सफर एक की सफर, दुआ आप बात कर समझे नहीं, एक सफर होता है कि आप अपने घर से बाहर निकले, अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने कारोबार पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो सफर अलग है। एक सफर होता है अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि तुम लोग सिर्फ अगर सफर पे सफर जाना जियारत की नियत से तो वो है मस्जिद आया अक्षा, दें मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी, इन तीन मस्जिदों के अलावा कहीं और पे इस मतलब भाई वो नियत से सफर करना कि वहां जाएंगे जियारत करेंगे, तो ये कहाँ तक हदीस जायज है? में दो सफर है क्या? दो सफर, एक जायज एक नाजायज लिखा हुआ है क्या? नहीं कहीं पे आप जा रहे हैं जियारत करने तो वो जायज है कि नहीं? मेरे को ये बता पहले कि भाई आप हदीस मेरा में दो सवाल ही नहीं लिखे। समझे। मैं सफर को शायद आप मारिए गोली, सफर हटाइए आप। आप कहीं पे सफर इसलिए कर रहे हैं कि वहां जाएंगे तो हम वहां पे जियारत करेंगे, तो भाई ये जो आप आपकी जो नियत है वो ये है कि अजमेर आप जा रहे हैं तो वहां जाके जियारत करेंगे, तो ये जो नियत है क्या ये हदीस से साबित है? तो हर चीज का हदीस से साबित होती चीज ही करता है तो। माजल्ला, ये भी मेरे भाई कोई पूछने की बात है? तौबा तौबा तौबा, इतना गंदा कीदा है कि जो चीज हदीस में नहीं आई है, जो मना फरमाई गई है, वो काम भी आप करेंगे?
इतने बड़े मुन आप बनाना कहाँ ले आप। मस्जिद को मीनार बनाना हदीस से साबित है क्या? हाँ और क्या, गाड़ी पे मस्जिद को जाना हदीस से साबित है क्या? हाँ बिल्कुल साबित है, गाड़ी पे मस्जिद जाना हाँ बिल्कुल बता कौन साबित है। सी हदीस, दलील दूँ, दलील दूँ गाड़ी तुम्हें? पे मस्जिद जाना बता। हाँ पहले के अल्लाह जमाने के में नबी के होता दौर में जो हमारे सहाबा थे वो भाई घोड़ों से ऊँट से वो सवारी से मस्जिद आते थे, तो आज भाई, घोड़ा और घोड़े की ऊँट बात तो नहीं है, आज मत। गाड़ी है, साइकिल है, अरे मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, टेम्पो है, तो आप मेरे भाई किसी से भी मस्जिद जाएं, तो नल आप से सफर वजू कर रहे करने हैं की ना, स्कीम सवारी है बता वो आपकी। आप हमें ये बता दीजिए मेरे बता प्यारे भाई, अबू दाऊद की साफ साफ हदीस है कि अल्लाह के नबी ने इन तीन मस्जिदों के अलावा किसी और कोई अभी भी मैं जगह क्या हो पूछ रहा जहाँ हूँ, पे आप भाई सामान्य सफर के लिए आप जाते हैं, भाई जियारत करने जाते हैं, वहां जाने के लिए अरे अल्लाह के नबी भाई ने भाई ओपन मना मैं फरमाया है, सिर्फ तीन जगह पे आप जा सकते हैं जियारत करने के अच्छा लिए, वो है मस्जिद अक्सा, मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी। इन तीन जगह को छोड़ के सवाल आप भाई का जवाब अजमेर में थोड़ा शरीफ, हाजी मलंग, उसी है, शामीना शाह वजू करना। और भाई देवा शरीफ और पता नहीं कितने कितने भाई वो मजार हैं, दरगाह हैं, आस्थाना है, तो वहां पे आप उसे भाई लेना सफर देना, क्यों करते हैं जियारत की नियत से? हुँ? नल से वजू करना, भाई मस्जिद पे मीनार बनाना। जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस पर बात कीजिए ना, आप क्या मेंढक हैं कि कभी इधर कूदते नहीं हैं नहीं कभी उधर कूदते हैं? तू ये काम कर रहा है ना, भाई मैं मस्जिद पे मीनार इसलाह की बना नियत रहा से आपसे है, जानना चाह रहा हूँ, इसलाह की नियत से, क्योंकि पांच हदीस से आप साबित मेरे है। भाई जिन दरगाहों को जा रहे हैं क्या उसकी क्या जाना साबित है? भाई आप जिन दरगाहों पे मजारों पे जा रहे हैं जियारत करने के लिए, क्या ये हदीस से साबित मीनार है या कभी अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम भाई पीर बाबाओं की मजारों पे दरगाहों पे सामान्य सफर तैयार करके तुम लोग आराम से सफर करना, वहां जाना, वहां देखना, जियारत करना, इस टाइप से कब कहा? मैं क्या कह रहा हूँ, मस्जिद पे मीनार बनाना कहाँ से साबित है, कौन से हदीस है बता मुझे, अरे मेरे भाई इसकी दलील, कयामत, इसकी कयामत की दलील दूंगा। निशानियां जब अल्लाह के नबी बता रहे थे तो अल्लाह के नबी ने बताया था कि ईसा अलैहिस्सलाम